हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं हरा भरा कबाब, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। ज़रूर ट्राई करके और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसे लगती है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने अबाउट 250 ग्राम to 200 ग्राम ऑफ पालक लिया है। हमें थोड़ा सा पानी बॉईल करना है और उसके बाद ये हमें लीव्स इसमें सारी ऐड कर देनी है। करीब 4 से 5 मिनट तक हमें इसे बॉइलिंग वाटर में रहने देना है। उसके बाद हमें निकाल के इसे तुरंत ही ठंडे पानी में रख देना है। आप चाहे तो आइस वाटर में भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ नॉर्मल वाटर यूज़ किया। यहाँ मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं और यहाँ मेरे पास ब्रेड क्रम्स नहीं थे, तो मैंने टोस्ट को ही ग्राइंड कर लिया है। आप ऐसा हमेशा यूज़ कर सकते हैं ब्रेड क्रम का रिप्लेसमेंट। तो यहाँ मैंने एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल ऐड करके इसमें मैंने 2 to 3 ग्रीन चिलीज बस काट के थोड़ा सा हमें इसे स्टीर फ्राई करनी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे और बहुत आसानी से ये रेसिपी बनाई है। और मैं अपने सारे वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेक करिए और शेयर करिए। यहाँ मैंने 1 कटोरी मटर लिए हैं, फ्रेश मटर है ये। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है, दैट्स इट। और कुछ हमें इसमें ऐड नहीं करना है एज ऑफ नाउ। उसके बाद जो पालक है हमें उसे ग्राइंडर में ग्राइंड करनी है, तो यहाँ पे मैंने पालक डाल दिया है। इसी में मैंने अभी जो ड्राइड टोस्ट होता है उसे ग्राइंड किया था फाइन पाउडर बनाने। और उसके बाद ये जो ग्रीन चिलीज और मटर है हमें उसका पेस्ट बनाना है। और साथ में यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक भी ऐड कर दिया है। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है बनके। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी कैरेट जो है क्रश करके ऐड किया हुआ है। 1 बॉइल्ड पोटैटो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है या मैश किया है। और उसके बाद ये जो मैंने क्रम्स बनाए थे ब्रेड के या टोस्ट के, इसे मैं 2 से 3 चम्मच ऐड कर दूंगी। अब हमने इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स ऐड की हुई है। और उसके बाद हम थोड़ा सा मसाले इसमें ऐड करेंगे। यहाँ 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है, 2 स्पून मैंने यहाँ रेड चिली पाउडर यूज़ किया है और 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर। टेस्ट एज पर टेस्ट सॉल्ट आपको ऐड करना है और 1 चम्मच मैंने ऊपर से गर्म मसाला बस ऐड किया है इसमें। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। गाइस, बहुत सिंपल वीडियो है, डू वॉच टिल एंड। यहाँ मैंने 1 से 2 से 3 चम्मच यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, ये हमें बाइंडिंग में हेल्प करेगा कबाब बनाने के लिए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और इसके बॉल्स बना के हमें इसके ऐसे पैटीज टाइप बनानी है। देखिए अब जो हमारे ब्रेड क्रम्स बनाए थे उसके ऊपर हमें इसे अच्छे से ऐसे कर लेना है, कोट कर लेना है और ऊपर से काजू लगा देनी है। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। और उसके बाद हमें इसे शैलो फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पैन में ऑयल लिया है और कबाब मैं इसमें ऐड कर लूँगी। आप चाहे तो जो स्टीर फ्राई होता है वो भी कर सकते हैं, इसे डीप फ्राई मत कीजिए, ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। और इसे हमें टर्न करना है 2 से 3 मिनट बाद और दोनों साइड से हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। और देखिए कितना सिंपल है और कितना देखने में कितना प्रीटी लग रहा है। इट टेस्ट सो डिलीशियस, बहुत अमेजिंग है, बहुत ही सिंपल है और बहुत आसानी से बन जाएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करे हैं इसमें और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई सजेस्ट कि आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए ये बनाना और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय, टेक केयर।